Hey guys, welcome to Vishaka's Vibes and in today's video I'm going to be talking about natural face washes and last 8 months से मैंने अपने face पे कोई भी face wash use नहीं किया है, ना ही कोई soap use किया है and उसकी जो effect है वो आप मेरे skin पे, मेरे face पे आप clearly देख सकते हो. तो आप सब भी जानना चाहोगे कि ऐसे कौन सी ingredient है जो as a face wash हम daily basis पे अपने face पे apply कर सकते हैं, use कर सकते हैं. तो video में आगे बढ़ने से पहले कुछ important चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ. अगर आप बहुत ज़्यादा फेस वॉश या फिर सोप अपने फेस पे यूज़ करते हो तो उससे क्या होगा कि आपके फेस की जो नेचुरल ऑयल है या जो नेचुरल मॉइस्चर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती है और समय से पहले ही आपकी जो स्किन है वो धीरे धीरे एजिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ने लगती है. आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं लगती है और जो मॉइस्चर की कमी के कारण आपके रिंकल्स एंड फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा विजिबल होने लगते हैं. ये सारी बहुत छोटी चीज़ें हैं जो हम ध्यान नहीं देते, बट ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर आप अपने फेस को दिन में दो बार वॉश करते हो तो आप एक टाइम फेस वॉश यूज़ कर सकते हो और दूसरी टाइम आप चाहो तो नेचुरल फेस वॉशेज जो मैं बताने वाली हूँ वो आप यूज़ कर सकते हो. तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं और उसमें जान लेते हैं कि मैंने कौन कौन से फेस वॉशेज अपने घर पे ही ट्राई किया और यूज़ किया और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं. तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं. सो आप फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज बनाना. बस हमने एक सिंपल पका हुआ केला लेना है और उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल लेनी है और बस विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर आप जिस तरीके से फेस वॉश अप्लाई करते हो उसी वे में अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करना है. मेक श्योर करें अपने आईज एंड माउथ के अराउंड में इसे ना लगाए. गाइस, बनाना जो होती है उसमें विटामिन ए होती है एंड साथ में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है जो आपके ड्राई स्किन सेल्स को और ड्राई स्किन को काफी अच्छे तरीके से नरिश एंड मॉइस्चराइज करती है. एंड बनाना जो होती है वो रिच होती है पोटेशियम में एंड मॉइस्चर में एंड वो मेरे पीछे पापा जा रहे थे. सिंपली इस तरीके से मसाज करके आपको अपने फेस को वॉश कर लेनी है. नेक्स्ट हमारी जो फेस वॉश है वो है पपाया यानी कि पपीता. बस एक छोटी सी क्यूब हमने कट कर लेनी है एंड अपने पूरे फेस पे अगेन इसे इस तरीके से अप्लाई करनी है जिस तरीके से आप अपने फेस वॉश को अप्लाई करते हो एंड सिंपली अराउंड 1 to 2 मिनट्स के लिए आप जेंटल मसाज करो एंड देन आप अपने फेस को वॉश कर लो. पपाया जो होती है वो एक माइल्ड एक्सफोलिएटर का भी काम करती है और आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है, आपके स्किन को यंगर लुकिंग रखने में हेल्प करती है. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज कर्ड यानी कि कर्ड को भी आप एक नेचुरल या डीआईवाई फेस वॉश के तरह यूज कर सकते हो. आप चाहो तो इसे रेगुलर यूज भी कर सकते हो. कर्ड जो होती है उसमें लैक्टिक एसिड होती है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और इसमें काफी ज्यादा अच्छी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे स्किन में जितनी भी फाइन लाइंस या रिंकल्स के जो थोड़े बहुत भी इफेक्ट्स होते हैं उसे रिड्यूस करने में हेल्प करती है और आपके स्किन को. आर नेक्स्ट फेस वॉश यानी कि जो होममेड फेस वॉश है वो है ऑब्वियसली बेसन. इसे हम भूल नहीं सकते हैं. तो यहाँ पे बस सिंपली आपको 1/2 टीस्पून ऑफ बेसन, हल्दी और थोड़ी सी दूध लेनी है एंड सिंपली आप इसे अपने पाम पे भी लेके अपने वॉशरूम में जा सकते हो. तो सिंपली जिस तरीके से आप फेस वॉश अप्लाई करते हो आप उसे इस तरीके से अप्लाई कर लो अपने पूरे फेस और नेक पे और जेंटली 1 से 2 मिनट के लिए मसाज कर लो एंड देन वॉश इट ऑफ. इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट हो जाएगी, जितनी भी डेड स्किन सेल्स है बेसन उसे रिमूव कर देगी और आपकी जो स्किन है वो धीरे धीरे ब्राइटन होगी और आपकी जो टैनिंग वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस हो जाती है. हमारे नेक्स्ट डीआईवाई फेस वॉश इज ऑफ कोर्स टोमेटो. टोमेटो में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की है. आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो एंड सिंपली आपको इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके जेंटली मसाज कर लेनी है. टोमेटो गाइस हमारे स्किन के टैनिंग रिमूव करने में, पोर्स को टाइटन करने में एंड पिगमेंटेशन को फाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है और आपके स्किन को बहुत ही रिफ्रेशिंग बनाती है. तो आप इसे फेस वॉश की तरह यूज कर सकते हो. सो हमारी लास्ट यानी कि 6th इंग्रेडिएंट एज अ फेस वॉश इज ऑफ कोर्स एलोवेरा. एलोवेरा आप सिंपली अपने प्लांट से ही यूज करो वो ज्यादा अच्छी होती है. तो आप एलोवेरा ले लो और उसे अपने पूरे फेस पे जेंटली मसाज करके और जिस तरीके से आप फेस वॉश यूज करते हो उसी तरीके से मसाज करने के बाद अपने फेस को वॉश कर लो. ये आपके स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, आपको कोई भी डैमेज नहीं होगी. तो ये वीकली प्लान है हमारा 1 to 6 डे का. आप 7 डे पे फेस वॉश यूज कर सकते हो गाइस. तो आप इसे अपने घर पे जरूर. दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल तो लगी होगी. एंड वीडियो एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं एक्सट्रीमली ड्राई और ड्राई स्किन या तो फिर सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए मेंशन करनी चाहूंगी कि अगर आप विंटर्स में स्पेशली सोप और फेस वॉशेज यूज करते हो तो प्लीज आप उसे बंद कर दो, उन्हें यूज मत करो. और जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स आज मैंने आपको वीडियो में बताया आप वही सारी चीजें यूज करो, आपके स्किन के लिए वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होंगी. एंड बहुत ही जल्द मैं ड्राई स्किन के ऊपर भी वीडियो बनाने वाली हूँ तो आप लोग मेरे साथ बने रहना. एंड यस, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट. And I'll see you next time. Till then, bye guys.